अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने वाली हूँ मराठी स्टाइल में वटाने की उसल। ये आधा किलो वटाने हैं जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची की पाउडर, 1 बड़ा मीडियम साइज़ टोमेटो, 1/2 टी स्पून गरम मसाले की पाउडर, कोथमीर, 1 टी स्पून बड़ी सौफ की पाउडर, 1 ग्लास पानी। और ये मसाले में यहाँ पे है 1 आधी प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा और 2 टेबलस्पून सूखा खोपरा जिसको मैंने थोड़े से तेल में फ्राई कर ली हूँ। अब इसका मैं मसाला बनाऊँगी। यहाँ कुकर में मैंने 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाली हूँ जिसके अंदर अभी मैं थोड़ा कड़ी पत्ता डाल के टोमेटो फ्राई करूँगी। टोमेटो फ्राई होने तक ये जो मसाला है इसको मैं पहले अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दी हूँ। अब मैं अपना टोमेटो ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी। तब तक मैं अपना मसाला पीस लूँगी। मेरा टोमेटो फ्राई हो रहा है तब तक मैं मसाले निकाल लेती हूँ। बड़ी सौफ के अंदर एक टीस्पून बड़ी सौफ के अंदर मैं ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला और ये सब मसाले मैं अब टोमेटो में ऐड करूँगी। और सबको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसमें अब मैं वो कोकोनट प्याज, लहसुन, अदरक और जीरा का जो मसाला था वो ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें मैं अब थोड़ी सी फ्रेश कोथमीर ऐड करूँगी और वटाना ऐड करूँगी इसमें। मैंने इसमें सब ऐड कर दी हूँ वटाना और अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। इसमें मैं अभी 1 गिलास पानी ऐड करूँगी और 3 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसको कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी आने तक इसे पकने दूंगी। मेरी वटाने की उसल बनके तैयार है। मैंने इसको सर्विंग बोल में निकाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वटाने की उसल अच्छी लगी महाराष्ट्रन स्टाइल की तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और आप इसके ऊपर थोड़ा सा फरसान डाल के भी खा सकते हैं और ऐसे भी इसको रोटी से खा सकते हैं। अगर आपको और पतला चाहिए तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा, वरना आप ऐसे भी इसको ऊपर से फरसान, कोथमीर और नींबू निचोड़ के खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट देगा ये। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।